हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं त्रिनिदाद टी10 ब्लास्ट का जो आज मैच खेला जाने वाला है रात को 12 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, लेदर बैक जॉन वर्सेस और स्कारलेट एबिस स्क्वाड के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है उसका मैच प्रीव्यू। तो प्रीव्यू दिखने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कैसे ज्वाइन हो सकते हो, आप टेलीग्राम पर जाइए, जाकर टारगेट इन फैंटेसी लिख के सर्च कीजिए और वहाँ पर 1.3K प्लस सब्सक्राइब वाला जो चैनल आपको दिखाई देगा वो चैनल आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। साथ में अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल की तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो लिंक में क्लिक करके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। तो देर किस बात की, फाइनल टीम के लिए, विनिंग टीम के लिए अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैच की बात करें, ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रोबा पर यह मैच ए लीग का सारे मैचेस होगा। तो वहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहेगा ज़्यादातर, और वेदर रिपोर्ट की बात करें थोड़ा सा क्लाउड वेदर रहने वाला है। अगर कोई बारिश की चांसेस होगा तो हम आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। साथ में देखिए एवरेज स्कोर यहाँ पर बनते हैं 93, फास्ट इनका रहते हैं स्कोर रहते हैं यहाँ पर 103। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत विकेट्स ज़्यादा गिरते वाला है ग्राउंड मानकर आपको चलने वाले हैं आपको। देखिए हम दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे, LBG प्रोबेबल प्लेइंग साइड, केजन ओटले मार्क गेल के साथ ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर आ सकते हैं यहाँ पर टेरेन हाइंस, नंबर 4 पर साहिबा बाटू सिंह, नंबर 5 पर जैरोन अल्फ्रेड, नंबर 6 पर आएंगे क्रिस्टियन थोटन, विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको मिलेगी। नंबर 7 पर केरविन सिजू, नंबर 8 पर एरविन एंड्री रंबरन, नंबर 9 पर केवन आइजक, नंबर 10 पर डेंजिल एंटोनी, नंबर 11 पर मैथ्यू प्राटिक। तो हम लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए लास्ट मैच पर ओडले ने 4 रन बनाए थे, मार्क डिया 18 रन की स्कोर की थी, उसके साथ टेरन हाइंस 11 रन बनाए थे और बाटू सिंह ने यहाँ पर 23 रन की स्कोर की थी 14 गेंद खेल के। साथ में अल्फ्रेड ने 8 और थोटन ने 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर विकेट्स मिल रहे थे। देखिए आइजक को 1 विकेट मिले और रामबरन को 2 विकेट मिले। देखिए आइजक को 1 विकेट मिले और रामबरन को 2 विकेट मिले। तो आपके लिए देखिए LBG की तरफ से कौन कौन से प्लेयर मस्ट विक रहना चाहिए इस मैच में, केजन ओटले, मार्क डियल, टेरन हाइंस, बाटू सिंह, थोटन, रामबरन और केवन आइजक। तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में पर एंटोनी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, एक अच्छे प्लेयर है। दूसरे टीम के बारे में बात करें, SLS प्रोबेबल प्लेइंग से क्या रहने वाले हैं। देखिए टियोन वेबस्टर कमिल पुरन के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर आएंगे जोशुआ रामदो, नंबर 4 पर रैंडे महासे विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर आपको मिलेगी। नंबर 5 पर देखिए डेक्स्टर स्विन, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, हर साल में यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस करते आ रहा है, लास्ट मैच में भी बहुत ही अच्छे खेला। नंबर 6 पर आ सकते हैं पर खैरी पीरी, इंटरनेशनल प्लेयर है। नंबर 7 पर देखिए हाकिम मिचेल, नंबर 8 पर एंडरसन महासे, 9 नंबर पर आएंगे पर किशन डिलॉन, नंबर 10 पर एंटोनी अलेक्जेंडर, नंबर 11 पर मिखिल गोभिया। तो आप देखने वाले हैं यहाँ पर SLS की तरफ से जो प्लेयर्स लास्ट मैच पर कैसे परफॉर्मेंस किया था वो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो देखिए टियन ओस्टर ने लास्ट मैच पर 33 रन बनाए थे, नहीं यहाँ पर टियन एफ्टर ने लास्ट मैच पर 11 रन बनाए थे, उसके साथ कमिल पुरन ने 24 रन की थी और जसवा रामडो यहाँ पर 11 रन बनाए थे 7 गेंद खेल के। रनडे माह से 27 रन की थी और उसके साथ डेक्स्टर स्विन ने 11 गेंद खेल के 35 रन की बहुत ही तबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। साथ में यहाँ पर बात करें कौन कौन से प्लेयर के ऊपर मास्ट भी 2 ओवर बॉलिंग मिले थे, एक बार देख लीजिए, खैरी पीरी 2 ओवर की थी बॉलिंग, उसके साथ डेक्स्टर स्विन 2 ओवर बॉलिंग की थी, टियोन वेबस्टर 2 ओवर बॉलिंग की थी, उसके साथ के डिलॉन ये भी 2 ओवर बॉलिंग की थी। तो देखिए इनमें से कौन कौन बॉलर्स को विकेट्स मिले एक बार देख लीजिए। मिखिल गोभिया 1 ओवर बॉलिंग डाल के 2 विकेट निकाला, मिखिल गोभिया ने 1 ओवर बॉलिंग डाल के 2 विकेट निकाला और डेक्स्टर स्विन ने 2 ओवर बॉलिंग डाल के 2 विकेट निकाला, टियोन वेबस्टर ने 2 ओवर बॉलिंग डाल के 1 विकेट निकाला। तो अभी हम बात करने वाले हैं SLS की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग की टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए। देखिए टियोन वेबस्टर है, कमिल पुरन है, डेक्स्टर स्विन मस्ट पिक, खैरी पीरी और एंडरसन वहाँ से मिखिल गोभिया। तो यहाँ पर ये 6 प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको इनमें से 4, 5, 6 जितने कॉम्बिनेशन चाहिए आप ले सकते हो, आपके स्मॉल लीग की टीम पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी चलते हैं डीमिन की तरफ, एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बना के आपको दिखाएंगे। ये रहेगा आपके लिए स्टैट्सनलेस की बात, वहाँ पर हमने जो डेमो टीम बनाएंगे वहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रैंडी के बारे में भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन देखिए वो डेमो टीम रहेगा। फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो देर किस बात की, अभी अभी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको स्मॉल लीग के फाइनल टीम के साथ साथ थोड़ा ग्रैंडी के ऑप्शन सजेशन भी मिल जाएंगे। और चलते हैं,
तो गाइस देखिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन की बात करें, एक ही प्लेयर आपको मिलेगी आर माह से, बाकी यहाँ पर एन किशोरनाथ एस जवाहिर कोई नहीं खेल रहा है, आर माह से यहाँ पर मस्ट पिक रहेगा आपके लिए, हर एक प्लेयर्स को इनको ही लेना पड़ेगा। 97.2% सिलेक्शन है, आप चाहे भी इनको नहीं ड्रॉप कर सकते। देखिए टीएन वेबस्टर है बैटिंग ऑप्शन पर, के ओटले उसी के साथ रहने वाले हैं हमारे टीम पर, डी एंटोनी को हम पिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एस भाटो सिंह को पिक करेंगे, क्योंकि देखिए वन डाउन या टू डाउन बैटिंग करेंगे, ये अच्छे प्लेयर है, लास्ट सीजन परफॉर्मेंस अच्छे किया था, लेकिन इस साल थोड़ा ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन अच्छा कर सकते, तो इसलिए इनको हमने हमारे टीम पर पिक किया। बाकी बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, मार्क डीएल टी हाइंस उसके साथ यहाँ पर कमिल पुरान और डेस्टा स्विन, ये चार टॉप चॉइस हमारे टीम पर रहने वाले। देखिए कमिल पुरान आपको लगेगी ये थोड़ा सा रिस्की है, कमिल पुरान और एस भाटो सिंह, लेकिन हमारे टीम पर मास्ट भी रहेंगे, क्योंकि कमिल पुरान यहाँ पर वन डाउन या ओपन पर आ सकते हैं, तो अच्छे प्लेयर है, लास्ट मैच पर अच्छे टच पर दिखे, 15 गेंद में 24 रन बनाए थे, हालांकि इनिंग्स को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छे प्लेयर है, अच्छे कर सकता है। के सिरजू एम पैट्रिक एज मिचेल आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा होगा। बॉलिंग की बात करें, खैरी पीरी इंटरनेशनल बॉलर ए माह से, और उसके साथ यहाँ पर रहने वाले हैं के डिलॉन, के डिलॉन यहाँ पर केवन आइजक रहेंगे, के डिलॉन को आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छे हो सकता है। यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में बता देता हूँ, देखिए मार्क डियल बिल्कुल सेफ कैप्टन, डेक्स्टर स्विन बिल्कुल सेफ वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, यहाँ पर सेव करके आपको प्रीव्यू दूंगा, साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन पर है आर माह से, बैटिंग में है टीएन वेबस्टर, के ओटले एस भाटो सिंह बैटिंग ऑप्शन पर है। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखिए यहाँ पर चार प्लेयर्स रहने वाले हैं, मार्क डियाल टेरेंस हाइंस कमिल पुरान डेक्स्टर स्विन चार प्लेयर्स रहने वाले हैं। बॉलिंग की बात करें, खैरी पीरी ए वहाँ से और केवन आइजक चार तीन प्लेयर्स रहने वाले हैं, और हमारे टीम का सेफ कैप्टन है मार्क डियाल, सेफ वाइस कैप्टन है डी स्विन। आपको ग्रैंड लीग्स पर कौन कौन से प्लेयर के साथ जाना चाहिए एक बार देख लीजिए, भाटो सिंह है, केजन ओटले है, आर माह से, कमिल पुरान ए माह से और खैरी पीरी, ये छः प्लेयर्स के साथ बिल्कुल ग्रैंड लीग पर कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक रहने वाले हैं। थोड़ा सा डिफरेंशियल भी होगा, अगर थोड़ा बहुत अच्छे स्कोर कर जाए, अच्छे विकेट ले जाए, तो आपको वन सेडेड विन करवा सकते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस अपडेट्स आप तक पहले मिल जाए, और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो पर।